हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेके एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर प्री जो एग्ज़ाम लगे दोस्तों आज 11-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है। दोस्तों, मेंस के परीक्षा की डेट है टेंटेटिव दोस्तों आ गई है, रिजल्ट कब तक जारी होगा विस्तार से बात करने वाले। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त कराई जा रही है। तो दोस्तों, ये देखिए उपेन यादव का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से उन्होंने एक ट्वीट किया है, आप देख सकते हो, नीचे देखिए, टेक्निकल हेल्पर भर्ती मेन परीक्षा जुलाई में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की जो आपकी मेंस की एग्ज़ाम है दोस्तों, वह जुलाई में संभावित मानी जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर टेक्निकल हेल्पर की जुलाई में परीक्षा होती है तो इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। दोस्तों, अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों, इसका रिजल्ट जो है 15 जून या दोस्तों इसके आसपास जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। 15 जून के बाद में दोस्तों इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जुलाई में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ऑफिशियल आंसर को लेकर बात करते हैं, रिजल्ट आने को है लेकिन ऑफिशियल आंसर अभी तक जारी नहीं हुई। तो दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि दोस्तों 11-12 दिन हो चुके हैं लगभग दोस्तों, अभी तक इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है। हो सकता है दोस्तों इसके लिए भी ट्विटर कैंपेन करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, 15 जून से पहले दोस्तों इसका रिजल्ट आने से पहले 13 जून को दोस्तों इसका आंदोलन रखा गया है टेक्निकल हेल्पर पदों की जो संख्या है 6000 करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचे, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे दोस्तों उतनी मांग सफल होने के चांसेज हैं। तो दोस्तों, जितने भी टेक्निकल हेल्पर से जुड़े अभ्यर्थी हैं सभी दोस्तों इस आंदोलन में जुड़े, क्योंकि दोस्तों एक बार रिजल्ट जारी हो गया तो दोस्तों उसके बाद में पद बढ़ाना दोस्तों नामुमकिन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, सभी अभ्यर्थी 13 जून को आंदोलन में जरूर पहुँचें।